नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अरुणाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ लेकर फिर से आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे जैसे गुजरात के चुनाव नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे एक के बाद एक संगठन ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिया है। बताएंगे आपको सबसे पहले बीजेपी को 60 लाख की आबादी वाले मालधारी समाज की ओर से झटका दिया गया था, उसके बाद प्रजापति समाज और अब दोस्तों एक बड़े संगठन ने खुलकर बहिष्कार का ऐलान किया है। बताएंगे आपको सूरत जिले के अंदर पूरी तरीके से तस्वीर बदलने वाली है दोस्तों। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के नेता ने माना कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को पटकनी देने जा रही है दोस्तों। बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला। साथ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता विवादित बयान दे रहे दोस्तों। बताएंगे आपको गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर प्रचंड तरीके से विरोध शुरू हो चुका है। बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला, एक तरीके का कमनल बयान दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात की जनता इस बार राज्य के अंदर परिवर्तन करके ही दम लेगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी के साथ में 2008 के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले विजेंदर सिंह पद यात्रा करते दिखाई दिए और इस दौरान उनकी और राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हो गई है दोस्तों। मूंछ पर ताव देते हुए दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं जिसे लेकर जनता शेयर करते हुए अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर गुजरात के चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है दोस्तों। सबसे पहले 61 लाख वोटरों की आबादी वाले मालधारी समाज ने पंचायत करते हुए बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया था और उसके बाद प्रजापति समाज की भी बैठक की खबरें सामने आई दोस्तों। और अब ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर सूरत के अंदर बीजेपी जो सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर जानी जाती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे तगड़ा झटका लगा है। दरअसल श्रमिकों के सबसे बड़े संगठन डायमंड यूनियन ने बीजेपी के बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि द डायमंड वर्कर्स यूनियन गुजरात राज्य के हीरा श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है दोस्तों। उसने हीरा कारीगरों से आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि DWUG यानी डायमंड वर्कर्स यूनियन गुजरात का कहना है कि हीरा कारीगर लंबे समय से अपने मुद्दों को लेकर बीजेपी के सामने बातें रखते हैं लेकिन भाजपा के लोग हमारी बातें मानने को तैयार नहीं है। दरअसल इस यूनियन का कहना है कि हमने बार बार बीजेपी सरकार से कहा कि आप लेबर लॉ डायमंड इंडस्ट्री के अंदर भी लगाइए ताकि डायमंड व्यापारी डायमंड श्रमिकों का शोषण ना कर पाए, उनको उचित सैलरी मिल पाए और पूरी तरीके से सुविधाएं मिले जो हर तरीके के श्रमिकों को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि हीरा कारीगरों को भी उचित सैलरी मिलनी चाहिए और तमाम तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए दोस्तों। आपको बता दें कि DWUG की तरफ से कहना है कि हमने बार बार बीजेपी से बोला लेकिन भाजपा के लोग सुन रहे रहे और इसीलिए हमने आगामी चुनाव में बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि डायमंड सिटी सूरत के अलावा सौराष्ट्र के अंदर भी बड़ी संख्या में हीरा श्रमिक रहते हैं। यूनियन की घोषणा से पाटीदार बहुल इलाकों के अंदर भगवा पार्टी को एक गंभीर झटका लग सकता है क्योंकि हीरा व्यापारियों की संख्या तो नाम मात्र की है, सबसे ज्यादा हीरा कारीगर है यानी श्रमिक लोग है दोस्तों। और उनके संगठन ने ऐलान करके कहीं ना कहीं बीजेपी की रात की नींद उड़ा दी है और ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे भाजपा के अगेंस्ट में बड़ा समीकरण तैयार हो रहा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के CM उम्मीदवार इसुदन गढ़वी ने बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते, हमें कांग्रेस पार्टी नुकसान पहुंचा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी नेता भी इस बात को मानता है कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी के कारण आम आदमी पार्टी का ग्राफ नहीं बढ़ पा रहा। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को शायद समझ में आने लगा है कि जो बड़े बड़े दावे करके वो राज्य की जनता को गुमराह करने के लिए आए थे उसके बाद जनता ने उन्हें संकेत दे दिया है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से चुनाव नहीं लड़े जाते बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बूथ लेवल पर स्तर पर कार्यकर्ता इकट्ठा करके लड़े जाते हैं और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के पास सबसे मजबूत संगठनों में से एक है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के लोगों को शायद ये बड़े लेट से समझ में आया है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी का CM कैंडिडेट भी मान रहा है कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी आम आदमी पार्टी के ग्राफ में बढ़ोतरी नहीं हो पाने का सबसे बड़ा कारण है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आने लगे हैं उसके बाद बीजेपी के लोग पाकिस्तान सद्दाम हुसैन बॉम्ब ब्लास्ट इस तरीके की चीजें सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी अब 2002 का दंगा याद आया है। उन्होंने एक बयान देते हुए विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सबक सिखाया हमने 2002 के अंदर। दरअसल दोस्तों अमित शाह ने कहा कि 2002 में सबक सिखाए जाने के बाद ऐसे तत्वों ने वहां हिंसा छोड़ दिया, वे लोग 2002 से 2022 तक हिंसा से दूर रहे हैं। आपको बता दें कि 2002 के दंगों को इस तरीके से ग्लोरीफाई कर रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री और कह रहे हैं कि सबक सिखाया गया यानी चुन के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। यानी सबक सिखाया गया इस शब्द का इस्तेमाल करके एक तरीके से सांप्रदायिक मैसेज भेजने की कोशिश भी की जा रही है। आप लोग इसे किस तरीके देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। आप लोग का अपना क्या कुछ मानना है दोस्तों, क्या चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के लोग इस तरीके के शब्दों का चयन कर रहे हैं ताकि चुनाव के मद्देनजर सांप्रदायिक आधार पर लोगों को मोबिलाइज किया जा सके? आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखिएगा जरूर। एक और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सरकार चला रही है और कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार है दोस्तों। और बीजेपी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने 2004 में केस किया
किया था हम पर, और अब हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी जमीन को वापस लेंगे। यानी दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में सबसे बड़े विवादों में से एक विवाद है बेलगावी क्षेत्र का विवाद। दोस्तों जो कर्नाटका का हिस्सा है और महाराष्ट्र क्लेम करता है कि नहीं ये महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि यहां पर ज्यादातर आबादी मराठी भाषी है, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटका को क्योंकि राज्यों की सीमा बंटवारे के दौरान ये क्षेत्र मिला हुआ है तो कर्नाटका इस पर अपना क्लेम करता है। और इस तरीके से विवाद काफी आगे बढ़ चुका है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ रहा है और इस मामले पर जबरदस्त तरीके से राजनीति भी हो रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक और भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे राज्य में बीजेपी के डिप्टी सीएम है, लेकिन इसके बावजूद सीमा विवाद को राज्य की अस्मिता से जोड़कर मुद्दा बनाकर चुनाव में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर की माने तो बीजेपी के ओबीसी विंग के नेता सूर्या शिवा और अल्पसंख्यक विंग के प्रमुख महिला नेत्री डीजे सरन को उनके पद से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पर ये कहकर एक्शन लिया गया है कि एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें शिवा पार्टी कैडर के नेताओं से बात करते हुए महिलाओं विरोधी टिप्पणियां कर रहे थे और इस मामले पर बीजेपी ने एक कार्रवाई करने की बात कही है दोस्तों। हालांकि भाजपा ने कहा है कि सूर्या शिवा एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ कोई मामला उनके लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों देश के अंदर कोई भी मामला सामने आता है सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। एक ऐसा ही मामला सामने आया था श्रद्धा और आफ्ताब केस से जुड़ा हुआ, जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को राशिद नाम का व्यक्ति बता रहा था और श्रद्धा वाले मामले पर विवादित टिप्पणी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो पता चला कि उस व्यक्ति का नाम तो विकास है, उसके आधार कार्ड पर उसका नाम विकास था दोस्तों। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि ये फेक न्यूज कौन फैलाता है, खासकर राइट विंग यानी दक्षिण पंथी संगठनों से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया पर अकाउंट चल रहे हैं वे सारे के सारे फेक न्यूज फैला रहे थे कि ये व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन अंततः पता चला कि इसका नाम तो विकास है। और आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे एक प्रोपोगंडे को हवा दी जाती है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पद यात्रा जरूर की है, लेकिन इस दौरान एक्स एयरफोर्स के ऑफिसर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया है। उन्होंने पैराशूट से लैंडिंग करते हुए इस यात्रा को अपना समर्थन भेजा है। साथ साथ आपको बता दें कि अमित शाह के रोड शो के दौरान उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही है दोस्तों, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर खुद जाकर एनसीपीसीआर के लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है दोस्तों। ये शिकायत उस वीडियो पर है जिसमें प्रधानमंत्री के सामने एक बच्ची कविता सुना रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बच्चों को प्रचार में लाया गया है, उनका शोषण हो रहा है, हम इसे लेकर चुनाव आयोग को शिकायत करने आए थे। इस पर आयोग ने स्पष्ट करते हुए आदेश दे चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहीं पर एनसीपीसीआर ने कहा है कि बच्चों को प्रचार में डालना नहीं चाहिए, ये गलत प्रक्रिया है, इसमें कोई साधारण व्यक्ति शामिल नहीं है बल्कि खुद प्रधानमंत्री शामिल है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वीडियो दिखाकर हमने पूछा है कि आप कार्रवाई कब करेंगे, तो ईसीआई ने कहा कि वे इस पूरे मामले को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं और जल्द ही इस मामले पर चर्चा करने के बाद कार्रवाई करने को लेकर सूचना कांग्रेस पार्टी को दे दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने शिकायत कर रखी है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 27 तारीख यानी कल और 28 तारीख यानी परसों गुजरात के अंदर सभा को संबोधित करेंगे दोस्तों। इसी के साथ में अमित शाह की भी रैलियां होने जा रही है और गुजरात के पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है लेकिन विपक्ष का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बड़े पैमाने पर सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है, लेकिन कोई भी विपक्षी दल उस लहर पर वोट में तब्दील करने में सक्षम नहीं हो पा रहा। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की बैक टू बैक जनसभाएं सत्ता विरोधी लहर की स्वीकृति है जो गुजरात में 27 साल से अधिक समय से काबिज एक सरकार के खिलाफ हो चुकी है। द प्रिंट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रयास मैंने किया था तीसरा मोर्चा बनाने का वो विफल हो गया था और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार भी तीसरे मोर्चे का कोई प्रयास यहां सफल नहीं हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रहेगी लेकिन जनता के वोट परसेंट से ही पता चलेगा कि आखिर रुझान किसके पक्ष में गया है। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस में शामिल हुए निर्मल खत्री बोले जनता को विकास और रोजगार चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। कांग्रेस पार्टियों की नीति से प्रभावित होकर विवेकानंद बोर्ड के अब्दुल मुर्गीस कुरैसी तथा चंद्रशेखर नगर वार्ड के सरफराज पाले के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में कई सारे लोग शामिल हो गए दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय कमला नेहरू भवन में जाकर पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का झंडा थामा गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि गुजरात के अंदर चुनाव में बीजेपी को डर का सबसे बड़ा कारण ये समझ में आ रहा है कि उसके बागियों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यानी कई सारे मीडिया में दावा ये किया जा रहा है कि कई सीटों पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान उनके बागी नेता पहुंचा रहे हैं। अब जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार बीजेपी के कम से कम 51 बागी नेता मैदान में उतरे हुए हैं जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसी के साथ में दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को सरकार के हां में हां मिलाना हमेशा नहीं चाहिए, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लोग एक आजाद संस्थान है और अपने हिसाब से कदम उठाए, सरकार की हर बात को मानना जरूरी नहीं है। इसी के साथ में गुजरात के वाघोड़िया सीट पर बीजेपी के वोटों में सेंध लगा सकते हैं बागी। गुजरात की वाघोड़िया सीट बीजेपी
राष्ट्रपति के दो बागियों के कारण चर्चा में बनी पड़ी है दोस्तों। सबसे पहले मधु श्रीवास्तव है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि श्रीवास्तव की जगह बीजेपी ने वडोदरा से अश्विनी पटेल को मैदान में उतारा है, जिनकी सीट काफी कमजोर हो गई है। बागी नेता के मैदान में उतरने के साथ ही और इसी के साथ में कई और लोग हैं जो उनकी स्थिति को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि पल पल की सारी बड़ी अपडेट गुजरात के चुनाव से जुड़ी हुई आप तक लगातार पहुंचती रहे दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत तो बिल्कुल मत लिखना भूलिएगा दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का जुड़े।